उसकी भी कदकाठी नुए थी। हाँ हाँ वो देखिए मैं इसका फर्क करो। हाँ भाई देखो थोड़ा सही बात है, उसका चरण का नुकसान को नहीं करता, माग लेकर क्या करता, वो नुकसान आ जाता आपकी चीजें पैर दे। हाँ एक बार संदीप डाना इधर आना, एक बार आओ भाई। जो इसके पिता की जो लाइन थी ना, जो भाई तम दोनों खड़े हो भाई रवि, जो इनकी जो यहाँ की जो सुल्तानपुर की जो बड़ी लाइन थी ना, जो पुल था पुराना पुल, ये तो क्या पता उसके बेटे की बेटी हो, लेकिन वो जो चीज थी ना वो कम से कम 6+ का होगा। तो देखो तो उसका मतलब जैसे खेत में से चल गया ना, पंचायती था खेत में तो चलेगा, लेकिन उसका खाने का नुकसान कौन था जितना उसका पैर का नुकसान था, पूरा भारी भरकम इतने छोटे पैर थे फसल नुकसान हो जाए। अरे भाई भाई ने बताया भाई, नर का और ना उसका फीमेल का और मेल का जो फर्क हुआ है वो थोड़ा बहुत मैं अपना बता दूं कितना भाई। एक बार खड़े हो दोनों दम एक एक नर एक फीमेल बना दिया इतना देख लो भाई इतना फर्क हो गया भाई। ये चीजें मान लो भी बाप है, नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है भाई। दोस्तों वीडियो थोड़ा अटक होगी, मेरे पास फोन आया भाई संदीप डाणा सप्ताह छाणा, बोला भाई सुल्तानपुर गांव में हाथी आ रहा है, इतना हाथी दिखा के लाऊंगा मैं भाई। लाया कौन नु लाया, काम जमींदार का घर पा रहा भाई, ओड़े दिखाऊंगा। तो भाई सबसे पहले देखो भाई, जो अपना जमींदार का होया कर भाई, यो देखो मटका, मटका पे भाई ने गेहूं ला रखे, पानी ठंडा रहे, यानी कि देसी फ्रिज जिसे अपना कह दे आपा, यो वह चीज है भाई। और जो जमींदारा की होनी चाहिए भाई, ठाट बाट ओकार खाटवानू किनू, ये भाई सारे धर रहे हैं, सारे भाई ने राम राम भाई, संदीप डाणा सत्या छाणा इसने सारा अग पाना सारे भाई जय गो माता। पहला तो खड़ा होगा, चल मैंने वो हाथी दिखा जिसकी तू कल का भड़क कर रहा है, हाथी आ रहा है सुल्तानपुर में, चल दिखा मैंने, चल आज खड़ा हो भाई। ये सारे भाई अपना होका पीने लग रहे हैं, देखो भाई इन भाई हरियाणा देसी कल्चर है जी, हरियाणा अपना देसी कल्चर भाई। या वो जिसके जिक्रा चल रहा है कल से भाई, यो है वो हाथी, हाथी इसको इस वजह से कहा गया भाई, इसकी कद काठी किसी हाथी तक कम नहीं है, प्योर ब्रीड ऑफ मुर्रा भाई, जिसने आपा कह दे हाँ। अरे भाई लिख तो सारे ले, जिसका मुर्रा उच्चा तो उसका उच्चा तुर्रा, लेकिन भाई मुर्रा होनी भी तो चाहिए, जिसका उच्चा तुर्रा हो या हुआ भाई मुर्रा, जिसकी आप व्यवहार दे ले भाई, इसकी हाइट लेंथ इतनी है कि भाई इसमें उठने में भी थोड़ा दिक्कत, जो कर हाथी अपना पसाने मार कर उठा कर नहीं उठा। संदीप खड़ा भाई, हमने संदीप दिखना बंद हो जाएगा, ये देखो भाई, यह देखो भाई इसकी हाइट 5'8" संदीप की हाइट है, लेकिन संदीप दिख नहीं लग रहा भाई, आप देख सको पूरी वीडियो में मैं अपना दिखाने लग रहा हूँ, आप देखो भाई यार सारी डिटेल भाई तो लेवांगे कि भाई पूरी डिटेल इस अपना बहस की दे। भाई के पास आते हैं भाई, राम राम। राम राम भाई, भाई पहले तो अपनी हाइट बता कितनी है। मेरी 6'1" की, 6'1" भाई, इसका दोहरा खड़ा होगी, इसका पीछे जाए भाई एक बार ले भाई देख लो, भाई की जो हाइट है 6'1" और भाई की सिर्फ 3-4 हाइट दिखने लग रही है, यानी कि सही हाथी है, जिस हाथी की बात अपना डाणा कर रहा था, इन्हें उहा को निशाना कहते, ये सारा घूमे फिरा जाए तो निशाना है। संदीप डाणा भाई भैंस के बारे में बताना भाई, भैंस है मेरे हिसाब से, मैंने इतनी ऊंची भैंस देखी नहीं है, बिल्कुल सही बात, हम कर नहीं सकते अब इस तो ऊंची कोई पा जा, लेकिन यो हरियाणा प्रधान कुछ भी पास, यो हरियाणा प्रधान अड़की में भी हो सका है। अरे भाई यह बिल्कुल सही बात है, जो चीज जमींदार तैयार कर देगा वो ब्रीडर तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि जमींदार पे सबसे बड़ा ब्रीडर भाई रवि किसान हो रहा है, किसान ने है ब्रीडर भाई, कोई अच्छी गाय लेके आवा, एकमात्र किसान है इस धरती पे जिसने पैदा करने की और बनाने की क्षमता है जिसका पास है, बाकी तो व्यापारी तो भाई सारे है, यूपी व्यापारी है संदीप डाणा सब जाना भाई, अब आप किसान भाई से मिलवाते हैं जिसकी भैंस है भाई। राम राम, राम, राम भाई, एक बार अपनी इस भैंस की डिटेल दो भाई, तो अच्छा टाइम बता दे होगी इसका 15 तारीख का ध्यान था भाई साहब इसका, हाँ ठीक है, और ये मानो आप 15 तारीख का ध्यान था, उसके बाद में पता लगेगा इसकी डिटेल का सारी का सारी भाई, हाँ और फिर अंग्रेजी मालिक ने सुख शांति रखी तो फिर लाइव मिल्किंग भी चलवाओगे उसके बाद आप, बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई, भाई देख सको भैंस ने, देखो कद काठी किसी हाथी तक कम नहीं है, जाए तो डाणा कहो था सुल्तानपुर में हाथी आ रहा है, इतना हाथी दिखा के लाऊंगा। संदीप भाई इसकी पीछे तो इसकी एक बार चौड़ाई माप के दिखा, चौड़ाई तो अपना फीता का फीता।
आप देख सको हो भाई, इसकी जो कद काठी जो चौड़ाई है वो देखो भाई, बैक साइड से कितनी चौड़ाई है इसकी। यो संदीप डाणा सत्ता जाना पिता लेकर आना। संदीप भाई माप एक बार इसने, लो भाई आ भाई पर पहले यहां देखो भाई, पहले यहां से इसकी, यहां से पुट्ठा लियो, पुट्ठा लियो इसका, ये ले जी 21 इंच ना 22 इंच भाई, 22 इंच का ये पुट्ठा है, ये पुट्ठा। अब ऊपर से इस हाट के ऊपर दे लियो ले, यहाँ से 34 जी, ये देखो भाई 34 यहाँ से। बहुत कम मुर्रा आपने इतनी कद काठी की देखने को मिलेंगी, बहुत कम। और संदीप भाई एक बार दोबारा और जाइए उसका, नहीं उन्हें देखा है तू कितना दिखा है, दिखा है तो नहीं, अरे आज उल्टा ब्याह भी को नहीं होगा, आज ऐसे दिखा है कौन तो भाई संदीप नहीं दिखता थोड़ा भी इसका पास है। यार वाकई में भाई जो कह देना असली प्योर ब्रीड मुर्रा भाई वाह है, जो आपने आज एक जमींदार के घर देखने को मिली है भाई। और बहुत से लोग मुर्रा रखे हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद भाई, अपनी अपनी सबकी जगह बढ़िया है, लेकिन ये ऐसी भैंस भाई ना तो आपने पहले देखी होगी और शायद ही बहुत कम ऐसी भैंस है जो रह रही है देखने को भाई। कोई शर्त हम लांदे नहीं, कोई इनाम हम रखते नहीं, एक जमींदार की मेहनत है जो भाई ने तैयार कर रखी है, सिर्फ वही हमारा आपको दिखाने का मतलब है। और ये संदीप डाणा विचार देंगे अपने थोड़े से, अभी इसकी पूंछ को देख कर ना हाँ। भाई बोलेंगे मुर्रा से बाहर है, सींग को देख के मुर्रा बाहर बोलेंगे, लेकिन मैं आपने बता दूं जितनी भी हरियाणा में जितनी भी भैंसे हैं वे सारी की सारी हरियाणा है, क्या है परसेंटेज के हिसाब से चल जाए फिर वे। जैसे आप कंपटीशन में माले जीत के आ रही है कोई, उसके सींग पॉइंट पैर चमड़ी भी नापी जाती है, चमड़ी भी नापी ठीक है, लेकिन किसान को एक ही चीज का पता नहीं है, 8 किलो अगर दूध दे रही है ना वो मुर्रा से बाहर होगी, क्योंकि जो हमारी परसेंटेज के हिसाब से भैंसे हैं जितनी भी हरियाणा की है तो उसमें परसेंटेज आ जाएगी। अब ये थोड़ी ना है ये मुर्रा से बाहर होगी, इसकी पूंछ ज्यादा होगी, ये ना माने आप, ये मान लो 80% मान लो फिर आप, सही बात है। अब इसकी जितनी लेंथ और हाइट नहीं पाएगी आपको ठीक है, जो जंगली भैंस है और जैसे और भैंसे है उनकी ये वो है 7 से 8 किलो दूध, ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर दूध भैंस दे देगी। हमारी कम से कम जो भैंस होगी ना वो 12 किलो दूध की भैंस है, तो वो उसमें मुर्रा के अंश तो है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसकी अडर क्वालिटी की बात करें तो भाई वो भी एकदम शानदार और लाजवाब है, जिसके आप कह दे प्योर ब्रीड ऑफ मुर्रा में होना चाहिए भाई, वाह है। और संदीप डाड़ा भाई एक एक डिटेल देने लग रहा है, बाकी ये भाई भी है भाई अपना सुल्तानपुर से है भाई, अपना नाम क्या है, संदीप नाम है भाई, तेरा भी संदीप नाम है भाई, भाई दो संदीप कट्ठे हो रहे हैं एक संदीप डाणा सप्ताह शाणा संदीप डाणा, थोड़ी और डिटेल दे भाई इसकी बहस की। तो भाई दूधदार की भाई रिपोर्ट देंगे, कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए, घर की है क्या चीज है, और पहले तो इसकी कंडीशन इतनी वीक थी, अगर आप देख रहे तो नहीं सोच रहे मैंने कितने साल की बीमार है, गिर जाएगी है, तो तैयारी में भाई ने अच्छी सेवा की है और वो फल आपके सामने है बिल्कुल, की रिपोर्ट भाई बताएंगे। और भाई अगर आप फिर दोबारा हाइट की बात करा तो जितनी भाई संदीप की हाइट है इतनी तो इसकी 5-6 है हाइट, 5-6 मैंने मेरी वीडियो में भी फीता मारा था, ये ऊंचा नीचा है, 5'7" की हाइट है मेरे घोड़े नहीं होते जितनी ऊंची हाइट की भैंस है भाई हाँ। आप देख सको आपका आगे है बिल्कुल, 12 ट्रेनी जो ट्रक होना है वो सोता है। अरे भाई ऐसी चीज जमींदारे तैयार कर सके भाई, और कोई किसी के बस की बात को नहीं, क्योंकि एक जमींदार में क्षमता है धैर्य और ठहराओ, जो जमींदार का पास मिलेगा भाई वो किसी का पास नहीं मिलेगा। और ये भाई भी बैठे हैं, ये भाई भी इसमें देखने के लिए आ रहे हैं परिवार वाले हैं, ये भाई भी थोड़ी सी अपनी डिटेल देंगे। भाई आपने देखी पहला? ना भाई साहब नहीं देखी पहले है? ना नहीं देखी पहली नहीं? बार देखी पहली बार देखी आपने भाई साहब? भाई साहब देखे तो थे 10 टायर देखे थे, 12 टायर नहीं, ये 12 टायर ही लिया। भारत की सबसे ऊंची टाइटल भी लिख दिया, वो भी कर दिया, नाम तो हम नहीं लेंगे, इनाम भी रख दिया, लेकिन उस चीज तो गांव है ना सुल्तानपुर, लंबी भैंस है जाने जा, यो तो इनका बीज है भाई चानस, वो उसका पास अच्छी भैंस है, लंबी हुआ भी है, के मेरा वो उलते दादा परदादा के बीज जा रहा हो, सही बात है। हवा एक मारा बड़सी है, ओढ़ भी बहुत लंबी, उस तो वह भी लंबी ऊंची है भाई,
सही बात है भाई, वो इसके मानने चलो इसका जब उसमें आ जाएगी ना, वो तीसरे ब्यात में है, तीसरे ब्यात की उम्र में आ जाएगी ना, तो वो एक इंच और बताएगी लेंथ, इस जितनी हो जाएगी आने वाले समय पे वो भी इसकी टक्कर ले लेगी हाइट में, लेकिन जो लेंथ है ना क्या हाँ। चीज नहीं है भाई, या तो मेरी देखी नहीं है लेंथ और हाइट भाई देखी नहीं। हाँ दोनों चीज नहीं तो है आपा, इसने मैच नहीं, इसने सही माती बोल सका आपा, आपकी 10 टैरी को भी 12 टैरी 12 टैरी ट्रक पूरा है भाई। यार बिल्कुल संदीप की सही बात है, पूरा 12 टैरी ट्रक है यो, भैया देख लो भाई, आपने मैं सुनो भाई, देखो भाई दोस्तों अपना अंतर दिखाऊंगा मैं, इस साइड खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, हाइट देखना इसकी हाइट से कितनी ऊपर दिखाई दे रही है यार भैंस जो अपनी, खुद देखो भाई आप ये सारी भाई अपना, इसकी उम्र अभी 4 दांत हुई है, इसकी 4 दांत हुई है अभी, तब ये मैच्योर हो जाएगी तो लम समय भी अपनी माँ जितनी कोशिश कर सके, लेकिन इतनी तो नहीं हो सका, माँ मार रहा है कि बेटी बेटी रहे, सही बात है ठीक है या तेरी जमा शानी बात है, को निशाना कह देते ना और भाई अपना इनके जो पीछे बैस है इनकी ओर दे दे थोड़ी डिटेल, जी भाई बताएंगे कि ये बैस है बहुत अच्छी, इसका बहुत अच्छा दूध है, 23-24 लीटर दूध की बैस है ये भी, तो बाकी आप बताएंगे कितने दिन की प्रेगनेंट है क्या या इसका क्या कुछ डिटेल, मैंने पे तो देखा था इसका जी काटा तोल 5 महीने की बेई हुई है, 3 महीने की प्रेगनेंट है, 3 महीने की प्रेगनेंट है, फिलहाल में 20 लीटर दूध इसमें तैयार है, फिलहाल में तैयार है इसमें, ये अपने घर पे रख रखी, घर पे रख रखी है, और ये जो साइड में भाई 4 महीने की बेई हुई है, 1 महीने की प्रेगनेंट है, और 14 लीटर दूध इसमें तैयार है, 14 लीटर खजाना है ना खजाना, 24-24 लीटर दूध का, ये अपने भाई महेश ढिल्लो, महेश ढिल्लो गाँव डाणी सागरी, गाँव डाणी सागरी खजाने है ना दूध के, वो रखते हैं जो देखे ये देखिए भाई, और जो देसी फ्रिज है उसका पानी पीते हुए भाई रमेश भाई पानी जैसा है, बिल्कुल ठंडा भाई है, फ्रिज तक भी माफ कर रहा है, फ्रिज ना फैल कर रहा है नहीं, अरे होना भी नहीं चाहिए, घर घर में होना चाहिए भाई, जो अपनी पुरानी कल्चर है ना संस्कृति है उसको ना भूलो, उसने बनाए रखो भाई, भाई जहाँ पाई इसकी आगरी प्रेगनेंट कौन सा उसका है, अपना ही बुल से है भाई, अपना ही से है, हाँ, अपना ही बुल से है भाई, ये देखो भाई अपनी माया से अपना ही बुल बाहर से क्यों घर की भाई काका लिखनिया है या सुल्तानपुरिया है, नई नस्ल बढ़ाई सुल्तानपुरिया नहीं है, नहीं भाई हरियाणा का नाम बदल इस चीज का यार, हरियाणा राजस्थान पंजाब यूपी सबने पता है कि सुल्तानपुर ब्रेड किस कैसी है, सुल्तानपुर या इसका अलग ही वजूद है, अलग ही वजूद है, इसी इसी के खासियत है भाई अपना इसकी ब्रीड की खासियत तो देख ले, तो तू 12 टैरी कहने लग रहा भाई भाई वाकई में पुराना बुल था, हाँ सिंह होलदार पहले डीएसपी बन रहे हैं, उनने छोटे था उसी की लाइन, पंचायती बुल था, पंचायती मजनू भाई है, उसी की लाइन चली हुई गांव या उसी की लाइन चली हो, उसी की लाइन सी जी उसी की, उसकी भी कदकाठी हुई थी, वो तो देखिए मैं इसका तो टेगा फर्क करूंगा, हां भाई देखो थोड़ा फर्क होगा, नर नरे हो सही बात है, उसका चरण का नुकसान को नहीं करता, भाग निकल जा करता, वो नुकसान आ जाता, अच्छी चीजें पैर दे, हां एक बार संदीप डाणा इधर आना, एक बार आओ भाई, जो इसके पिता की जो लाइन थी ना, जो इनका भाई तुम दोनों खड़े हो भाई रवि, जो इनकी जो यहाँ की जो सुल्तानपुर की जो बड़ लाइन थी ना, जो पुल था पुराना पुल, ये तो क्या पता उसके बेटे की बेटी हो, लेकिन वो जो चीज थी ना वो कम से कम 6+ का होगा, तो देखो तो उसका मतलब जैसे खेत में से चल गया ना, पंचायती था खेत में तो चलेगा, लेकिन उसका खाने का नुकसान कौन था, जितना उसका पैर का नुकसान था, पूरा भारी भरकम इतने छोटे पैर थे, फसल नुकसान हो जाए, अरे भाई भाई ने बताया भाई नर का ना उसका फीमेल का मेल का जो फर्क हुआ है वो थोड़ा बहुत मैं अपना बता दू कितना भाई, एक बार खड़े हुई दोनों एक नर एक फीमेल बना दिया इतना इतना फर्क हुआ भाई, ये चीजें मान लो बाप है, तो भाई भाई की बहस है भाई, अगर किसी ने इस तो बड़ी देखी हो तो बताना, हम उसने भी कवर करांगे, नहीं मेरे हिसाब से तो हमने मैंने इतने पशुधन देख लिए भाई, मैंने इतनी हाइट की कोई भी बहस नहीं मिली है, तो भाई दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, धन्यवाद दोस्तों, भाई एक चीज और देखो भाई के बच्चे आए हैं, देखो भाई
जो नॉर्मल हाइट में अपना भैंस खड़ी है उसकी नॉर्मल हाइट से भी बच्चे कितने छोटे हैं आप लेंथ हाइट इसकी देख सकते हैं। नॉर्मल रूटीन होया करें भैंस का खड़े होने का जुगालीकरण का वो यो है भाई, उस हिसाब से आप आइडिया लगा लो। वाकई में यो इसको सही में संदीप डाणा ने इसका हाथी नाम धरया है, सही में हाथी है भैया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।